प्रोटेक्ट लैम्बोर्गिनी की। सो इस बार मिस्टर बीस्ट ने पैसों को एफ बोल के लैम्बोर्गिनी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। सो देखते हैं कौन सा कौन इस लैम्बोर्गिनी को प्रोटेक्शन दे पाएगा। ट्रेन ट्रैक्स पर खड़ी है पूरे $2.5 लाख की लैम्बोर्गिनी और अभी इसकी ओर दौड़ रही है ये विशाल सी ट्रेन। पर टक्कर होने से पहले मैं ये लैम्बोर्गिनी दे रहा हूँ ब्लेक को। थैंक यू। और इस ट्रेन को भेजने के साथ ही मैं इन सभी सोल्जर्स के हाथों तुम्हारी इस लैम्बोर्गिनी पर 10,000 बुलेट्स भी चलवाने वाला हूँ। इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी। इसमें मजा आएगा। ये बंदा है ना जो ब्लेक, ये बंदा मिस्टर बीस्ट की साइड से मेरे को नहीं लगता शायद से एक या दो वीडियोस में ये पहली भी आ रखा है। मेरे को याद सा नहीं आ रहा कौन सी वीडियोस में आया है बट ये पहले भी आ चुका है। पूरे 24 घंटे तुम अपनी लैम्बो को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। टाइमर शुरू होता है अब। ठीक है, सबसे पहला डिफेंस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते। अगर मिस्टर बीस्ट ब्लैक की जगह हम होते, ठीक है, और हमें मिस्टर बीस्ट बोलता कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर लैम्बो गार्डनिया, तो आप अपनी गार्ड कैसे बचाते? सो आप अगर देखो बेस्ट चीज जैसे ये लगा रहा है ना ईंट की दीवारें, ये बेस्ट है, ठीक है। उसके पीछे आप कंटेनर्स लगा सकते हो, ठीक है। पहले पांच ईंट की दीवार कंटेनर्स, क्योंकि कंटेनर्स ऐसे है ना थोड़ी बहुत बुलेट्स वो खा सकते हैं। ईंट तो तुम्हें पता है टूटेगी। उसके पीछे तुम मेरे हिसाब से जो बेस्ट है ना पानी की कैंस रख सकते हो ताकि तुम्हारी बुलेट्स डॉज हो सके। क्योंकि तुमने नोटिस करा होगा पानी में ना बुलेट्स की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बनाऊंगा और इसके बाद रेफ्रिजरेटर से भरा हुआ कंटेनर लगाऊंगा और फिर बुलेट से बचने के लिए गाड़ियों की दीवार बनाऊंगा। क्या लगता है उन 10,000 बुलेट्स को रोकने तो इसने पानी यूज नहीं करा इसने के लिए ये काफी होगा? हाँ ये काफी होगा। ओके, पर अब तक यहाँ कुछ नहीं है, काम शुरू करना चाहिए। तो ब्लेक जल्दी अच्छा। से 3 स्टोर्स में गया जहाँ मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया और उसके सप्लाईज पर पूरे $78,000 खर्च किए। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता है, जहाँ ये सामान डिलीवर हुआ था। इसकी सप्लाईज का पहला ट्रक यहाँ आने ही वाला है। विश्वास नहीं होता मैंने इतना कुछ खरीदा है, ये पूरा सामान भी नहीं है। इसने खरीदा है एक वाटर ट्रक, इसकी कुछ कबाड़ गाड़ियाँ भी आ गई हैं और इसका पावर एक्सक्रेट भी आ गया है। आखिर उसने इतना सामान कैसे खरीद लिया? ये पागल लोगों की फिक्र मत करो, सोचो वो वहाँ है ही नहीं। हाँ पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहे हैं। अभी 5 घंटे ही हुए हैं और उन 10,000 बुलेट्स को रोकने वाला डिफेंस बस तैयार है। We want Chris, we want to see कि कितना एक देखो जब क्रिस बन के आता ना, जब क्रिस वॉज आउट विथ समथिंग न्यू जो कि किसी ने देखी नहीं थी, तो एक ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है, मेरे दिमाग में कि इस बार क्रिस आएगा तो कैसे बन के आएगा, क्या उसका बड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना वाला है शायद इतना ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। क्या लगता है वो शिपिंग कंटेनर्स एक भी बुलेट को रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। फुल नेगेटिव। उसके लिए बुरी खबर है। हाँ उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 6 घंटे हुए हैं, क्या तुम अपनी प्रोग्रेस से खुश हो? मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या सच में? ये चीज नीचे आने से पहले नहीं था पर अब जो आ गया है तो अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बुलेट्स को रोक पाएंगे? झूठ बोल। उन्होंने कहा नहीं, इसे और मेहनत करनी होगी, इसका एहसास होते ही पूरी रात काम किया। उस चीज को यहाँ पर ले आओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसके साथ ही अगली सुबह तक अपने डिफेंस को भी अपग्रेड करता रहा। देखो वो स्टोरेज कंटेनर में एक फैन और एक विशाल से क्यूब को डाल रहा है। और जब इसे पूरा होने के बाद देखा तब मैं सच में बहुत इम्प्रेस था। बताओ तुमने क्या बनाया है? मैंने पहले सामने कंक्रीट को लगाया और दीवार का सबसे ऊंचा पार्ट सेंटर में बनाया ताकि वो उन बुलेट्स को झेल सके, क्योंकि वो गन्स बहुत बड़ी और डरावनी है। और साथ ही में स्टोरेज कंटेनर और बहुत सारा पानी। और आप देख सकते हैं वो एकदम आराम से खड़ी है। तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें बुलेट्स को रोक पाएंगी? हाँ लगता तो है। मुझे लगता है 50% चांसेस है तुम्हारे पास। 50% भी काफी है तो इससे पहले कि मैं उन्हें 10,000 राउंड्स चलाने के लिए कहूँ मेरे साथ लैम्बोर्गिनी के पास आओ। तुम सिर्फ लैम्बोर्गिनी के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर एक लाख क्या कितना तो बहुत सारा है। इतने में ही इंश्योरेंस। देखो पता क्या होता है, एक ना खर्च होती है, ठीक है। जब आप एक इंसान बन के आते हो ना आपके पीछे कीड़ा होता है जो बार बार मतलब काटता रहता है, ठीक है, कभी ना कभी आज नहीं तो कल वो आपको ना काटता रहेगा। वैसा ही कीड़ा मिस्टर बीस्ट के अंदर भी है। वैसा कीड़ा क्यों है मिस्टर बीस्ट के लिए मैं बताता हूँ। देखो गाड़ी तो दे रहा है भाई, लेकिन ही कैन नॉट फॉरगेट हिज रूट्स जो कि है पैसा देना, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा भाई $1,00,000 भी दे रहा है विद अ ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। दैट इज वेरी गुड। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, 8 डरावने आदमी, पूरी 10,000 बुलेट, ये सब कुछ जो बनाया है, तैयार हो? इसे खत्म करते हैं, डर लग रहा है। हम लोड हो चुके हैं, फायर करने के लिए तैयार। सर जब भी आप चाहो। हाँ समझ गए।
रोहित कौन हूँ? एक चीज नहीं बताई है, ये गन्स उन चार फेजेस में से एक है जो हमने इस लैम्बोर्गिनी को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं, या ऐसा कहे इसके बाद जो बचेगा उसके लिए। आ, मिस्टर बी साले जी बाहर निकाल लिए, कर रहा हमें टीज कर रहा है, डू यू अंडरस्टैंड योर क्या पिघल रहा है बुलेट आर पार जानी चाहिए और इसकी लैब वो हाथ से गई। ओह माय गॉड, रिफ्लेक्ट तो हो सकती या है यार, के कुछ बुलेट्स हैं? इतना कुछ भी नहीं है, बुलेट से मेरे को लगता है ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। तुम देख सकते हो ईंटें वगैरह गिर रही है और अभी इसके पीछे एक और लेयर है, तब पानी की लेयर है, तब जाके हमारी लैम्बोर्गिनी है। ये पूरी तरह से सेफ है। 10,000 बुलेट्स लेकिन एक भी स्क्रैच नहीं आया है। तुम्हारी लैम्बोर्गिनी में एक भी छेद नहीं है। और अगर आप नहीं जानते कि ब्लेक कौन है, वीडियोस में एक कंटेस्टेंट था और आज वापस आया है ग्रैंड प्राइज जीतने। यार देखो पता है क्या सीन होता है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जो बंदे ये बोलते हैं ना वीडियो सारी देखते हैं, वीडियोस की बात नहीं, इट्स अबाउट कि आप मतलब उस चीज को दिमाग में कैसे रखते हो। ठीक है, हम हगना भूल सकते हैं, मूतना भूल सकते हैं, एक बारी को बूट मारना भी भूल सकते हैं भाई, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि स्पीड और मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में कौन आया है कौन गया है। और तुम्हें मस्त चीज दिखाओ, मतलब मैं तुम्हें एक मस्त चीज दिखाता हूँ। सो दिस इज स्पीड, दिस इज मिस्टर बीस्ट, और अगर तुम वहां पर देखो ना छोटा सा एक कस्टमाइजेशन कर रखी है तुम्हारे भाई ने, विच इज स्पीड का लोगो और मल्टीप्लाई बाय मिस्टर बीस्ट, एंड दिस इज लुकिंग सो ग्रेट। ठीक है, अगर तुम पूरा सेटअप टूर देखना चाहते हो ना, टू के जल्दी से करवाओ, मैं इतनी भीख मांग रहा हूँ। तीसरा और आखिरी मौका आजमाने, फेज टू के लिए तैयार हो? हाँ। वो विशाल सी क्रेन देख रहे हो, वो पीली ऑयल निकालने वाली जैसी मशीन, वही है फेज टू। वो क्रेन तुम्हारी कार को 100 फीट ऊपर उठाएगी और उसे 24 घंटे बाद नीचे गिराएगी और तुम्हें उसे तबाह होने से बचाना होगा। देखो मैं तुम्हें ना मतलब जब तुम मेरी वीडियोस देखते हो ना, आई वॉन्ट यू शुड बी एजुकेटेड, तुम्हारा IQ ज्यादा होना चाहिए और तुम बहुत ज्यादा सर्वाइवल वाली कैटेगरी में ना आने चाहिए। सो अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम क्या करते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा माइंड पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप सबसे बेस्ट चीज है, तुमने वो देखा है जो कि जो थोड़ा सा ना ट्रैम्पोलिन टाइप रहता है, लेकिन वो रहता है छोटे बच्चों के लिए, छोटे बालकों के लिए। ठीक है, उस पर मतलब आप खेलते हो कूदते हो, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। दूसरा, आप डाल सकते हो उसके अंदर फोम्स लाइक पिल्लोज डाल सकते हो, कुशंस डाल सकते हो, मैट्रेसेस डाल सकते हो, और थोड़े से ना अगर मेरे को नहीं पता तुम उन जगहों में गए हो कि नहीं, इट्स लाइक कि आप ना भाग रहे हो और आप कूदते हो। ठीक है, आप बहुत तेजी से कूदते हो और नीचे ना स्पंज टाइप्स पड़े होते हैं, ठीक है बड़े बड़े स्पंज टाइप दे कलरफुल, और उनके ऊपर आप चाहे कहीं से भी गिरो वो मतलब आपको कैच कर ही लेते हैं। सो वैसा कुछ, इट विल बी बेस्ट फॉर इट। ठीक है, उसे यहाँ पर ले आओ। और जब तक हम दुनिया के पहले 100 फुट लैम्बोर्गिनी फ्री फॉल की तैयारी कर रहे हैं, हो गई तुम्हारी लैम्बोर्गिनी। ब्लेक अपनी लैम्बोर्गिनी को कैच करने की स्ट्रेटजी बना रहा है। पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। चैंडलर इधर आ जाओ। हाँ मैं यहीं हूँ। तुम उसे कैसे बचाओगे? सारे शहर के तकिए इकट्ठा करो। ओके। सारे गद्दे भी ले आओ। उसके बाद सारे शहर के। चैंडलर तुम एक बड़ा बेड बना रहे हो। फिर गुनगुने दूध का एक ग्लास। बस करो, तुम मदद नहीं कर रहे। ब्लेक अपना ही दिमाग लगाओ। मैं तो गया। मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। पहला दिन हमने अच्छे से पूरा कर लिया और बुरी खबर है वो लैम्बोर्गिनी अब उड़ने वाली है। ठीक है, तो किसी के पास कोई आइडिया है, मतलब कि आप सबको क्या लगता है? बाउंसी कैसल्स वो इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि बाउंसी कैसल्स बुरा आइडिया नहीं है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आइडिया से इंस्पायर होकर ब्लेक ने अपना मास्टर प्लान तय कर लिया था। मैं सभी कंटेनर्स को एक स्क्वायर में रखना चाहूंगा और बीच में एक एक्स बनाकर वहाँ पर बीचों बीच बहुत से एयर मैट्रेसेस, तकिए, बबल रैप और उन सब के ऊपर कुछ उछलती चीजें रखना चाहूंगा। ये वाले बॉक्सेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है। जो कुछ भी मैंने खरीदा है। देखो मिस्टर
सामने खड़ा है और तुम बोल रहे हो हमारे पास पैसा नहीं है। अरे मादर सॉरी, गाली नहीं देनी थी कि या फिर मेटल ही है, उनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर ब्लेक ने अपने क्रू को शहर के सारे एयर मैट्रेसेस और तकिए खरीदे। वॉलमार्ट के देखो, वॉलमार्ट के तो मजे लग जाते हैं, ठीक है। वॉलमार्ट के मजे कैसे लगते हैं? सारा सामान मिस्टर बीस्ट, दुनिया भर का वॉलमार्ट, मिस्टर बीस्ट की फिश टेबल्स वॉलमार्ट, मिस्टर बीस्ट की कुकीज वॉलमार्ट, मिस्टर बीस्ट की गांड नहीं वहाँ वो नहीं मिलेगी वहाँ। भेज दिया और अच्छे से नींद न होने के बावजूद भी वो काम पर लग गया। मैं भी ये सोचने लगा हूँ कि आखिर मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। ओ हाँ सही कहा, मैं एक चैलेंज में हूँ जिसमें एक लैम्बोर्गिनी अभी हवा में तैर रही है। भाई माना यूएस में माल पीना लौड़ा, इसका मतलब लगे रहोगे कहीं पर भी। 24 घंटों से जरा भी नहीं सोया था और उसे नींद की बहुत जरूरत थी। अब सोने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ और सुबह के 4 बजे हैं। और ब्लेक बहुत थका हुआ था तो उसने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज्यादा ही देर सो गया। ब्लेक भाई तेरे पास सिर्फ 5 घंटे है। ये क्या है? इसके पास मैट्रेसेस, तकिए और ब्लैंकेट्स हैं। बस गुनगुना सा दूध नहीं है। तो दूध का क्या करेगा साले? ब्लेक कहाँ है? दूध क्रिस का निकाल ले। देख भाई तू दूध क्रिस का भी निकाल सकता है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तेरे ऊपर है, तू कैसे निकालेगा, बट तू निकाल सकता है। हो नहीं सकता है। और जब तक ब्लेक साइट पर पहुंचा उसे पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। देखो ब्लेक का ट्रक आ रहा है, हमें काम पर लगना चाहिए, चलो चलो देखे वो कैसा लग रहा है। ओह, वो बाउंसी हाउस एक बड़े बॉक्स जैसा काम करेगा, तो शायद अभी हमें उसे बीच में रखना चाहिए और फिर उसे फुलाना चाहिए। 4.5 घंटे बचे हैं। इसको कासल कुसल बोलते हैं। और यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लैम्बोर्गिनी को पकड़ने के लिए 10% चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। और अगर वो कर भी लेता है तो भी वो बाद में उस ट्रेन को नहीं रोक पाएगा। उन्हें साइड से भरना शुरू करो ताकि यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाए और ये जगह भी भर जाए। ब्लेक के पास बस कुछ ही घंटे बचे थे और उसने पूरी कोशिश करके अपने उस पिट में बचे हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस और बबल रैप्स भर दिए। वो नीचे आने वाली है। चैनल कितना टाइम बचा है? 1 घंटा। ब्लेक तो गया। थोड़ा बबल रैप बचा है, शायद मुझे इस मशीन से ऊपर जाना चाहिए और मेरी लैम्बो को रैप करना चाहिए, फिर सब ठीक रहेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। ब्लेक ने अपना बचा हुआ थोड़ा वक्त अपनी कार को नाकामयाबी से बबल रैप करने में लगा दिया। ऐसे काम नहीं बनने वाला। पता है अभी क्या वक्त है? क्या वक्त है? कार गिराने का। चलो इस कार को गिराते हैं। ओके ओके। उस नाकामयाब बबल रैप की वजह से ये आलीशान लग रहा है। ब्लेक क्या लगता है, लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? पूरा यकीन है जिमी। इसे मुझसे ज्यादा यकीन है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। मैंने वॉलमार्ट की सभी एयर मैट्रेसेस खरीदी हैं। उम्मीद है वो उसे बचा पाएंगे। मैंने सारी कोशिशें कर ली। ये लो एक फीसिबल्स बार ब्लेक। वाओ थैंक यू मिस्टर। इस तरह अगर तुम कार खो भी देते हो तो अच्छा चॉकलेट तो खाओगे। ये वॉलमार्ट में अवेलेबल है, हमारे नए बार ट्राई करिए। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, पर कुछ भी हो। मैं तुम्हें क्या बोला था, वॉलमार्ट मस्त खा रहा है भाई। वॉलमार्ट इज लाइक अपन, देखो अपन नहीं करते प्रमोशन, मिस्टर बीस्ट है ना भाई। सुपर बॉल क्या है भाई? सुपर बॉल वाले बेचारे दे थिंक कि भाई ऐड हो जाए या कोई कंपनी, बड़ी कंपनी सोचती है मिस्टर बीस्ट हमारी ऐड करे, और वॉलमार्ट मस्त बैठा हुआ है, माल पी रहा है और देख रहा है मिस्टर बीस्ट की वीडियो, जो कि भाई तुम देख रहे हो। तुम्हारे पास है 3 बाउंसी कैसल्स और पूरी 150 मैट्रेसेस और कितने तकिए हैं? 150। पूरे 150 तकिए और 2000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या वो लैम्बोर्गिनी को बचा पाएंगे? हाँ, ये तो दो हाँ है। बिल्कुल। 24 घंटों की मेहनत, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1 लैम्बोर्गिनी को गिरा दो। बच गई। पता लग रहा है भाई साहब। चलो रास्ते से हटो जल्दी। आवाज काफी भयानक थी। प्लीज सेफ रहना। उसको सामने से हटा दो। हो ही नहीं सकता कि वो इससे बची होगी। इनबॉक्स को यहाँ से हटा दो। अब हम देखेंगे कि इस कार को कितना डैमेज हुआ है। लाइट्स काम कर रही है। ओके लाइट्स काम कर रही है। हो सकता है इस प्रिंसेस कैसल ने इस कार को बचा लिया हो। सच्चाई का वक्त। इतिहास में तुम पहले इंसान हो सकते हो जिसने एक लैम्बो को गिरने से बचाया होगा। अगर ये शुरू हो जाती है। देखते हैं। तुम एक चीज नोटिस करी भाई, जितना देखो अपने को पता है, अपने गरीब दिमाग को पता है, लैम्बोर्गिनी इतना टाइम तो नहीं लगाती भाई स्टार्ट होने में। लगता है थोड़ी सी दिक्कत हुई है भाई। हो रहा है। छुपाने की कोशिश कर। मुझे इस पर पूरा यकीन था ये जिंदा है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस बम्पर में एक छोटा सा क्रैक आ रखा है। थोड़ा सा क्रैक आया है। फिर हमने ऑफिशियल अप्रेजर से पता किया कि इससे ब्लेक की लैम्बोर्गिनी की प्राइस में कमी आएगी, मेरे ख्याल से लगभग 10,000। थैंक यू, गुड न्यूज के लिए शुक्रिया। और यही परफेक्ट टाइम है बताने का कि फेज 3 है फ्लेमिंग कार्स। ब्लेक के अगले चैलेंज के लिए हम उसका सबसे इस वीडियो में था प्रोटेक्ट 500
प्रोटेक्ट 500 केक की बेटा इसमें था का सपना वापस लाने वाले हैं। हम वही फ्लेमिंग कार्स चैलेंज फिर से बनाने वाले हैं जिसने पिछली बार ब्रेक से सब कुछ छीन लिया था। वाओ तुम बहुत ही बुरे हो। पर क्योंकि ये पहले भी ये कर चुका है हम लेवल बढ़ाने के लिए पिछली बार से ज्यादा कार्स गिराने वाले हैं। 10 गाड़ियां इस बार। तुमसे कल मिलता हूँ। खुद को साबित करना होगा। बदला लेने का दिन। ब्लेक ने पूरी रात लगाकर फेज 2 के डिफेंस को वहाँ से हटाया और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद वो फेज 3 का डिफेंस बनाने के लिए तैयार हो गया। सुबह के 8 बजे हैं, अभी अभी उठा हूँ, आज करने के लिए बहुत सारा काम। इस बार क्या करेगा? इस बार देखो, इसके लिए देखो सबसे पहली चीज जो भी आप कर रहे हो ठीक है, फ्लेम से बचने के लिए आपको रखना पड़ेगा प्रॉपर मेटल ठीक है। एंड अगर देखा जाए प्रॉपर मेटल हो सकता है टाइटेनियम, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट जो कंटेनर्स हो सकते हैं कंटेनर्स विद नो प्लास्टिक इन देम ठीक है, प्लास्टिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देखो कंटेनर अंदर से जल सकता है। ज़्यादातर मेटल यूज़ करे बंदा तो प्रोटेक्ट हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा फेज 3 का प्लान। मैं शिपिंग कंटेनर की बॉटम को काटने वाला हूँ और इसे कार के ऊपर फेंकने वाला हूँ। फिर मैं लूंगा दो और कंटेनर्स और मैं उन्हें ठीक कार के ऊपर इस तरह तिरछे रख दूंगा। सबसे जरूरी इस बार कोई जलने वाली चीज नहीं होगी। लगता है उससे कार बच जाएगी। यस सर। मुझे लगा आप ना कहने वाले हैं। फिर ब्लेक ने क्रू से कहकर कंटेनर से लकड़ी का हर टुकड़ा अलग करवाया क्योंकि उसी वजह से वो आखिरी बार चैलेंज हारा था। फिर उसने कंटेनर के बॉटम को कटवाया जो लैम्बोर्गिनी के इर्द गिर्द रहने वाला था। स्टोरेज कंटेनर से उसे बहुत डैमेज हो सकता है, पूरा कुचल सकता है। हाँ सच में इनका वजन ज्यादा होता है। और वो करने के बाद ब्लेक को संभल कर उस लैम्बोर्गिनी को कंटेनर के अंदर डालना था बिना उसे नुकसान पहुंचाए। एक भी स्क्रैच हजारों डॉलर का नुकसान कर सकती है। ऐसे ही करते रहो। वो कार को बस बर्बाद ही करने वाले थे। उंगलियां संभालो, वो नीचे आ रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। आगे हम इन कंटेनर्स को वी शेप में रखने वाले हैं। अगर कोई कार बीच में फंस गई तो? हाँ पर वैसा हो नहीं सकता, इसीलिए हमने वो नुकीली चीज ऊपर रखी है। ओ, अच्छा, तुम्हें लगता है उससे कोई कार डिफ्लेक्ट हो सकती है? 100%। 20 मिनट बचे हैं, अब देखते हैं ये लैम्बोर्गिनी उन 500,000 की तरह पूरी तरह बर्बाद होती है या नहीं। और हमेशा की तरह ब्लेक अपना हर सेकंड इस्तेमाल कर रहा था। 3, 2, 1। नहीं पता इस मिट्टी से क्या फायदा होगा। वक्त खत्म हो गया। नहीं चलो देखते हैं पिछली बार के मुकाबले अब फेज 3 कैसा होता है। बदले का दिन। ब्लेक पिछली बार इसी चैलेंज में तुम 500,000 डॉलर्स हारे थे, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। शायद व्यूवर्स एक चीज जानना चाहते हैं, क्या तुमने इस बार भी उसके अंदर लकड़ियाँ डाली हैं? बस थोड़ी सी, नहीं मजाक। मिस्टर बीस्ट मैं तो नहीं जानना चाहता था भाई, कर रहा हूँ। वहाँ कोई भी लकड़ी नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखते हैं क्या होता है। अंदर आ जाओ। 3 शिपिंग कंटेनर्स, बहुत सारी मिट्टी, कॉन्क्रीट, एक अजीब सी दिखने वाली नुकीली छत वर्सेस 10 चलती हुई कार्स। तुम तैयार हो? तो चलो शुरू करते। कार को चला दो। क्या ब्लेक एक कदम और पास जाएगा एक ऐसी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी जीतने के जिसमें पूरे 100,000 डॉलर्स रखे हुए हैं, या फिर पिछली बार ब्लेक की कार बन रही है? ब्लेक की कार बन रही है। अपने घर खाली हाथ जाएगा, हमें अभी पता चल जाएगा। 3, 2, 1 गिरो। ओह बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं तो बताऊं कैसे, अगर देखो अगर वो बीच में आती रहे ना आती रहे तो अगर ज्यादा सेंट ज्यादा गर्म हो गया ना अंदर मामला तो अच्छा लग रहा है उतना अच्छा है। हाँ इससे पिछली बार की याद आ रही है। ठीक है अगली कार के लिए तैयार हो? चलो करते हैं। गिरा दो। जस्ट इन केस अगर ब्लेक पिछली बार की तरह इस बार भी हार जाता है, उससे पहले मैं आपको इस कमाल के फोन के बारे में बता देता हूँ। नया सैमसंग जब आप बहुत ज्यादा सस्पेंस ठीक है, हम बस मतलब पहुंचने वाले होते हैं उस सस्पेंस के ऑर्गेजम के पास। एंड यू जब यू थ्रो द सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की एड फेंक देता है तो भोसड़ी के मुंह पे। ये फोन रिकॉर्ड कर सकता है स्लोमो 4K में। इस फोन का कैमरा कमाल का है। हम करीब 200 फीट दूर हैं और अभी नाइट टाइम है और जरा देखो क्रिस्टल क्लियर। अब चलो उसे भी गिरा दो। मुझसे देखा नहीं जा रहा और इसके गैलेक्सी AI में कई सारे नए मिस्टर बीस्ट पास्कल भाई फोटो असिस्ट।
आखिरी चैलेंज याद है जिसमें लैम्बो के बम्पर पर क्रैक आया था? हमें बस इस पर सर्कल बनाना है और बस ये इरेजर बटन दबाना है और एक आज तो मिस्टर बीस्ट के घर में पनीर बनेगा। पल में ही बम्पर ठीक हो गया। मेरा वाला पनीर सिर्फ फोटो के अंदर ही। जब भी तुम तैयार हो और इस फोन में है सर्कल टू सर्च गूगल, जिससे जानकारी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। इससे आखिरी वीडियो में लकड़ियों से बने रेल रोड टाइज की फ्लेमेबिलिटी के बारे में ब्लेक बहुत कुछ सीख सकता था। उसे बस होम बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता और रेल रोड को हाईलाइट करके पूछना होता, क्या ये फ्लेमेबल है? आप देख सकते हैं कि रेल रोड टाइज फ्लेमेबल होती हैं। तुम्हें जल्द ही तुम्हारा जवाब मिल जाता, ये तुम्हें बता देता। मैं सच में इस फोन से बहुत इंप्रेस्ड हूँ और शायद आप भी हो जाओगे। तो samsung.com पर जाओ नीचे। क्या फायदा मिस्टर बीस, यूज तो एप्पल ही करना है, ठीक है? एप्पल यूज करना है तब इस फायदा भाई। या क्यूआर कोड स्कैन करो और अभी जाकर चेक करो। अब अगली कार को गिराया जाए। हम एक के बाद एक कार्स को गिरा रहे थे और हम देख सकते हैं कि हर कार के बाद ब्लेक और नर्वस हो रहा था, पर हमने ये भी देखा कि उन सभी इंपैक्ट से उस क्रेट को और ज्यादा डैमेज हो रहा था। तुम्हारी नीचे वाली क्रेट दबना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर जो कंटेनर उस लैम्बो की रक्षा कर रहा था वो कार्स के वजन और गर्माहट से कुचला जा रहा था। जब पिछली बार इसे देखा था तो हर दिन इस बारे में ही सोचता था। और अब वक्त है आखिरी कार का। गिर जा। ओ नहीं, वहाँ अंदर हजारों डिग्री टेम्परेचर होगा। वो कार अभी अंदर पिघल रही होगी। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। ये तुम्हें क्या लगता है बच जाएगी? तुम मेरे को तो नहीं लगता बच सकती है। पर तेज कैसे दौड़ रहा है? बट आई डोंट थिंक सो। मैं आ रहा हूँ। सब ठीक है? वो ठीक है। हाँ वो ठीक है। भाई ये देख रहे हो तुम, यहाँ से भी कर्व, यहाँ से भी कर्व, ऊपर भी कर्व। ये देखा ना सबने? अगर यहाँ से पूरा काला हो चुका है, अगर दो तीन गाड़ी और होती ना और थोड़ी देर के लिए ज्यादा, तो ये पक्का खराब हो जाती। यहाँ से प्रॉपर कर्व, यहाँ से भी कर्व, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे प्रेस होता गया ना और कर्व एक बहुत प्यारे कर्व आ रहे हैं। और एक कार गिराई जाती तो ये क्रेट पक्का कुचल जाती। तुमने 10,000 बुलेट्स को रोका आराम से, तुमने बीच हवा से कार को पकड़ा और अब 10 जल्दी कार्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। मेरा मुंह में लो। वक्त है फेज 4 का। उस ट्रेन को लाया जाए। टाइमर ऑफिशियली शुरू हो चुका है तो मुझे जाना चाहिए। फेज 4 के लिए गुड लक। हाँ शुक्रिया। वो दौड़कर जा कहाँ रहा है? ब्लेक जानता था कि ट्रेन अटैक अब तक का सबसे जानलेवा अटैक होगा, इसलिए उसने शुरू करने में जरा भी वक्त जाया नहीं किया। पटरी से उतारना ही सबसे अच्छा तरीका होगा, इसलिए मैं यहाँ ये बना रहा हूँ। ये सभी रेल रोड ये क्या कर रहा है? पहले भी थोड़ा ही स्लो कर रहा है ट्रेन को, ठीक है? एक दूसरे के पास है और ये सभी उस ट्रेन के टकराने पर उसके नीचे चली जाएंगी। और अगर मैं ऐसा 100 बार और करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेन इन्हें कभी भी पार कर पाएगी। इन टाइज की वजह से ही पिछली बार मैं हारा था और इस बार यही मुझे जिताएंगी। ट्रैक से बस 2 इंच हट जाए और मैं जीत गया। 2 इंच बहुत ज्यादा होता है वैसे। सही कहा, बस एक बार ये सब हो जाए उसके बाद इस पर कंक्रीट डालूंगा। शायद वो जो अगर GTA 5 जैसी ट्रेन हो जो रुकती ना हो, तुम आगे लेट रहे हो, तुम आगे बॉम्ब फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट तुम्हारी GTA 5 की ट्रेन देखी है, चलती रहती है। अगर ये वैसी ट्रेन हुई ना तो ही दिस टाइम काम करेगा दोस्त, शायद ये काम करेगा। ब्लेक ने अपने क्रू के साथ पूरी रात काम किया और जब मैं अगली सुबह वहाँ पर पहुँचा, जाहिर था इस चैलेंज का उस पर बहुत असर पड़ा था। कैसे हो जिम्बो? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मेरी तो जान निकल रही है। आप जानते ही हो कि इसने इस वीडियो में $2,50,000 हारे थे और इस वीडियो में उसने $5,00,000 हारे थे। शायद ब्लेक हार हार कर थक गया है और उसकी आर्मी बहुत मेहनत कर रही है। वो अभी इस ट्रेन ट्रैक पर कार्स का ढेर लगा रहे हैं जो हमने फेज 3 में गिराई थी, पर वक्त हाथ से निकलता जा रहा था और उस ट्रेन को रोक कर लैम्बो को अपने घर ले जाने के लिए ब्लेक ने उस ट्रैक पर और भाई तुम देख रहे हो यहाँ पर लक्कड़ है, यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर कंटेनर गाड़िया, कंटेनर गाड़िया, कंटेनर फिर से लक्कड़, उसके फिर से कंटेनर, ज्यादा चीजों को रखना शुरू कर दिया, जैसे कि शिपिंग कंटेनर्स, इंपैक्ट को कम करने के लिए मैट्रेसेस। ब्लेक ने बहुत मेहनत की है, अब मैं उसकी टीम में हूँ। और वाटर टैंक्स, उसे पता है वो क्या कर रहा है, पर क्या करे, सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। इस पॉइंट पर ब्लेक ने वक्त खत्म होने से पहले वो हर काम किया जो वो कर सकता था और वो सच में बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। बस हो ही गया, एक आखिरी काम। 2-1 आखिरी वाला डिफेंस के लिए। वक्त खत्म, रुको, बंद करो।
वक्त ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ओ माय गॉश, हमारे फेज वन के शिपिंग कंटेनर्स, फेज टू की मैट्रेसेस, यहाँ तक कि फेज थ्री की जलती कार, भाई इतना तो रोक ही देगा, पिछले फेजेस की सभी चीजों का इस्तेमाल किया है। देखते हैं तुम वो लैम्बोर्गिनी चलाकर घर जा रहे हो या मुझे तुम्हें घर छोड़ना होगा। चलो अब उस ट्रेन को लाओ, जल्दी करो। इस सब को उड़ाने से पहले ट्रेन को पीछे ले जाना होगा, हमें बहुत पीछे जाना होगा ताकि ये सारी चीजें उड़ाने से पहले ट्रेन बहुत स्पीड पकड़ सके। तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? नहीं, ये बहुत बकवास। सच बताओ ब्लेक, क्या लगता है तुम्हारी लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? जिम्मी मुझे उम्मीद तो है, और जाहिर है हमें ट्रेन पर फेस्टिवल्स का लोगो लगाना ही था। ये दुनिया का बेस्ट चॉकलेट है, खुद पर एहसान करो और ये नया फॉर्मूला ट्राई करो। पर फिलहाल अभी वक्त है ब्लेक की जिंदगी के सबसे बड़े पल का, देखते हैं वो लैम्बोर्गिनी जीतता है या नहीं। ब्लेक, कोई आखिरी शब्द? पूरी ताकत लगा दो, ट्रेन को शुरू करो। ये वो चली। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। वो रही है। टक्कर से पहले इसकी रफ्तार लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। बहुत तेजी से बढ़ रही है। पटरी से उतर जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। वो आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बूम! भाई तो रुकी नहीं रही। फोड़ती, फोड़ती, चिंचोड़ती। हराम की लैम्बोर्गिनी मिल गई साली को, और कितने 10 लाख नहीं 100 की कर दिया। ये है तुम्हारी नई लैम्बोर्गिनी ब्लेक। ये सिर्फ ये लैम्बोर्गिनी ही नहीं बल्कि ये सारे पैसे भी जीता है। कांग्रेट्स, मैंने कर दिखाया। वीडियो को खत्म करने का बढ़िया तरीका पता है क्या? अभी के अभी वॉलमार्ट जाकर फेस्टिवल्स को खरीदना। ये दुनिया का बेस्ट टेस्टिंग चॉकलेट है। तीसरी बार जीत ही गए। आपसे बाद में मिलता हूँ। तेरे भाई फेस्टिवल्स तो खत्म रहते हैं, वॉलमार्ट भी तूने खुद बोला था। कैसे भाई करे?